बीजेपी के पूर्व सांसद के एक बयान और सांसद के बयानों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। आदिवासियों के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर योगी सरकार में राज्य मंत्री संजीव गौड़ के साथ पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार के विटम गांव पहुंचे थे, जहां पर आदिवासियों की पीड़ा सुनते ही पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार वन विभाग और पुलिस पर भड़क गए और कहा कि इन्हीं आदिवासियों की वजह से मणिपुर जल रहा है और वहां की सरकार फेल हो रही है। पूर्व सांसद का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने भी इस बयान को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गांव में आए हुए हैं कि नहीं, सच्चाई क्या है, सच्चाई को जानने के बाद नहीं लगा कि वास्तव में यहां आदिवासियों के साथ वन विभाग के लोग उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों का जन जंगल जमीन पर भौमिक अधिकार बाप दादे से जोत कोड़ हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन वन विभाग के लोग पैसे के दम पर और आदिवासियों को पैसे जो पैसा देता है उसको जो है कि उनके साथ सही व्यवहार करते हैं, जो पैसा नहीं देता है उनके साथ उन लोग गलत व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, उत्पीड़न उनका करते हैं। तो इस तरह से आदिवासियों का इस नगवा ब्लॉक में जितने भी गांव है, सभी गांव में जहां तक सूचना मिला कि सभी गांव में वन विभाग के लोग इन आदिवासियों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। असल में हम लोग देखिए बात को समझा रहे थे कि देखिए हम लोग शासन प्रशासन मिल करके जो नक्सलवाद सोनभद्र जिला है और चंदौली जिला मिर्जापुर, ये जिले में कैसे हम लोग सुधार पर लाए हैं आदिवासियों को लेकर, गरीबों को लेकर के, और उस सुधार को लाने के बाद आप लोग ऐसे उत्पीड़न करते हैं कि दोबारा से वह भाग के चले जाएंगे तो दिक्कत होगा, आएंगे तो थाना चौकी फूकेंगे तो बवाल हम ही आपको होगा। यह बात को हम लोग कह करके उनको समझाया जा रहा था कि ऐसा न उत्पीड़न किया जाए जिसे वह भागने के मजबूर हो जाए, इसलिए उनको समझाया जा रहा था। लेकिन वीडियो में जो कि काट कूट के वीडियो दिखाया जा रहा है कि केवल ऐसे बोले, वो गलत बात है, ऐसा कुछ राय नहीं। सरकार सबका साथ सबका विकास कार्य कर रही है और आगे कर